आप सभी को याद होगा किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पूनम पांडे ने 2 हफ्ते पहले ही शादी करी और फिर शादी के बाद तुरंत 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने हस्बैंड सैम बॉम्बे के अगेंस्ट कोर्ट में जो है अपील दर्ज कर दी है और FIR फाइल करवाई है सेक्सुअल अब्यूज़ की, हरासमेंट की। अब मैं आपको बता दूं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस की। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। ये खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि सैम जो है उन्हें कस्टडी में लिया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूनम पांडे ने अपना स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता जो था सैम के साथ वो हमेशा से अब्यूज़िव रहा है, हमेशा से कुछ खास रिश्ते नहीं रहे मेरे सैम के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं शादी कर लूँगी तो उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन मेरी शादी करने के बाद भी चीज़ें चेंज नहीं हुई, जिस रीज़न से मैंने इस बात का अब फैसला लिया। और सैम जो है वो मुझे जानवरों की तरह मारता है और इट्स बेटर कि मैं वापस चली जाऊँ ऐसी शादी से जहाँ पर मेरी इज्जत भी नहीं है और मुझे जानवरों की तरह मारा जाता है। सो कहीं ना कहीं पूनम पांडे ने इस बात को क्लेम तो किया है कि उनके हस्बैंड जिनसे उन्होंने 2 हफ्ते पहले शादी करी, उन्होंने उन्हें वो हमेशा से उनके साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप में रही हैं, लेकिन शी वॉज होपिंग कि चीज़ें सुधर सकती हैं, बट शादी के बाद भी चीज़ें नहीं सुधरी और शादी के बाद भी कई बार उन्होंने उन पर हाथ उठाया है, जिस रीज़न से मैं डिवोर्स दे रही हूँ। अब आप लोग एज अ व्यूअर मुझे बताइए क्या कुछ आपकी राय है इस पर और क्या कुछ आपका कहना है इस पर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।